भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत में हुआ था, जो कि हरियाणा में मौजूद है। आपको बता दें, इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खान गार्दी ने मराठों का साथ दिया था और दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। मुगल साम्राज्य का अंत 1737 से 1857 के बीच शुरू हो गया था, जब मुगलों के ज्यादातर भूभागों पर मराठों का आधिपत्य हो गया था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 1757 में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दुर्रानी को वापस अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश कर दिया और उसके बाद उन्होंने अटक और पेशावर पर भी धावे बोले, जिससे कि अब अहमद शाह दुर्रानी को मराठों का संकट पैदा हो गया और अहमद शाह दुर्रानी को ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत की शक्तियों को मराठों से संकट पैदा हो गया, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला भी सम्मिलित थे। अहमद शाह दुर्रानी, जो कि दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और 1747 में राज्य का सुल्तान बना था, सभी ने अहमद शाह को भारत आने का न्योता दिया। उस वक्त सदाशिवराव भाऊ, जो कि पानीपत के युद्ध के नायक थे, वो उदगीर में थे, जहां पर उन्होंने 1759 में निजाम की सेनाओं को हराया था, जिसके बाद उनके ऐश्वर्य में काफ़ी वृद्धि हुई और वो मराठा साम्राज्य की सबसे ताकतवर सेनापति में गिने जाने लगे। इसलिए बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह से लड़ने के लिए उन्हें ही चुना। निमंत्रण प्राप्त होते ही सदाशिवराव भाऊ अपनी समस्त सेना को उदगीर से लेकर सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए, जहां वे लोग 1760 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पार करके अनूप शहर यानी कि दोआब में पहुंच चुका था और वहां पर उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने उसको रसद पहुँचाने का काम शुरू किया। इधर जब मराठे दिल्ली में पहुंचे तो उन्होंने लाल किला जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने कंजपुरा के किले पर हमला कर लिया। कंजपुरा में अफगान को पूरी तरह तबाह करके उनसे सभी सामान और खाने पीने की आपूर्ति मराठों को हो गई। मराठों ने लाल किले की चांदी की चादर को भी पिघलाकर उससे भी धन अर्जित कर लिया। ये तो बात हुई युद्ध के पृष्ठभूमि की, आइए अब बात करते हैं युद्ध की। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उस वक्त मराठों के पास उत्तर भारत में दिल्ली ही धनापूर्ति का एकमात्र साधन थी, परंतु बाद में अब्दाली को रोकने के लिए यमुना नदी के पहले उन्होंने एक सेना तैयार की थी, परंतु अहमद शाह ने नदी पार कर ली। अक्टूबर का महीना था और किसी गद्दार की गद्दारी की वजह से मराठों की वास्तविक जगह का और स्थिति का पता लगाने में अब्दाली सफल रहा। जब मराठों की सेना वापस मराठवाड़ा जा रही थी तो उन्हें पता चला कि अब्दाली उनका पीछा कर रहा है, तब उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। अब्दाली ने दिल्ली और पुणे के बीच मराठों का संपर्क कटवा दिया। बदले में मराठों ने भी अब्दाली का संपर्क काबुल से काट दिया और इस तरह ये तय हो गया कि जिस भी सेना को पूर्ण रूप से अन्न और जल की आपूर्ति होती रहेगी वही सेना युद्ध जीत जाएगी। करीब 1.5 महीने की मोर्चाबंदी के बाद 14 जनवरी 1761 को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे ये दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए आ गई। मराठों को रसद की पूर्ति नहीं हो रही थी और उनकी सेना में भूखमरी फैल रही थी, किंतु अहमद शाह को रसद की पूर्ति अवध और रुहेलखंड से हो रही थी। विश्वासराव को करीब 1 से 2.5 बजे के बीच एक गोली लगी और वो गोली इतिहास को परिवर्तित करने वाली साबित हुई। जब सदाशिव राव भाऊ अपने हाथी से उतरकर विश्वास राव को देखने के लिए मैदान में पहुंचे तो उन्होंने विश्वास राव को मृत पाया। इधर जब बाकी मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिव राव भाऊ अपने हाथी पर नहीं है तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया, जिससे सेना का कमान न होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और सारे सैनिक भागने लगे। इसी भगदड़ में कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु सदाशिवराव भाऊ अपनी अंतिम श्वास तक लड़ते रहे। अब्दाली ने इसे एक अच्छे मौके की तरह समझा और 15,000 सैनिक जो कि आरक्षित थे उनको युद्ध के लिए भेज दिया और इन 15,000 सैनिकों ने बचे कुचे मराठों को मारना शुरू किया।
इस लड़ाई में कई महान मराठा सरदार मारे गए, जैसे विश्वासराव पेशवा, सदाशिवराव भाऊ और जानकोजी सिंधिया। इब्राहिम खान गार्दी, जो कि मराठा तोफखाने की कमांड संभाले हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई और कई दिनों बाद सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ का शरीर मिला। आपको बता दें, इस युद्ध में जो 40,000 तीर्थयात्री मराठा सेना के साथ गए थे, उनको भी पकड़कर मारा गया। जब ये बात पुणे पहुंची तो बालाजी बाजीराव को गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो बहुत बड़ी सेना लेकर वापस पानीपत की ओर चल पड़े। जब अहमद शाह दुर्रानी को ये खबर लगी तो उसने खुद को रोक लेना ही सही समझा, क्योंकि उसकी सेना में भी हजारों का नुकसान हो गया था और उसकी सेना अब युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने 1761 को ही पेशवा को पत्र लिखा कि मैं जीत गया हूँ और मैं दिल्ली की गद्दी नहीं लूँगा, आप ही दिल्ली पर राज करें और मैं वापस जा रहा हूँ। अब्दाली का भेजा पत्र बालाजी बाजीराव ने पत्र पढ़ा और वापस पुणे लौट गए, परंतु थोड़े में ही 23 जून 1761 को उनकी मौत हो गई और डिप्रेशन के कारण, क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अपना पुत्र और अपने कई सारे मराठा सरदारों को खो दिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराष्ट्र में एक भी ऐसा घर नहीं था जिसने कोई अपना ना खोया हो। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद मराठे आग बबूला हुए और इतिहास को फिर से अपनी एकता और शक्ति का उन्होंने परिचय दिया। 1761 में माधवराव द्वितीय पेशवा बने और उन्होंने महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस की सहायता से उत्तर भारत में अपना प्रभाव फिर से जमा लिया। 1761 से 1772 तक उन्होंने वापस रोहिलखंड पर आक्रमण किया और रोहिलखंड में नजीबुद्दौला के पुत्र को भयानक पूरी तरीके से पराजित किया और पूरे रोहिल्ला को ध्वस्त कर दिया। नजीबुद्दौला कब्र को भी तोड़ दिया और संपूर्णता भारत में फिर अपना परचम फैला दिया और दिल्ली को वापस उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और पूरे भारत पर शासन करना फिर से शुरू कर दिया। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का मराठा पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान है और माधवराव पेशवा की वजह से ही ये सब हो सका, जिससे मराठा साम्राज्य का निर्माण हुआ और मराठों ने ब्रिटिश को भी पराजित किया और सालबाई की संधि कर ली। पानीपत का युद्ध इतिहास का सबसे काला दिन रहा और इसमें कई सारे महान मराठा सरदार मारे गए। इस युद्ध के बाद खुद अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों के वीरता को लेकर उनकी तारीफ करी और मराठों को सच्चा देशभक्त बताया। ये जानते हैं मराठों की पराजय के कारण। मराठों की पराजय का एक कारण तो ये माना जाता है कि पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथराव, महादजी सिंधिया और मल्लाराव होलकर के बदले भाऊ सदाशिवराव को सेनापति बनाकर भेजा, जबकि उपरोक्त तीनों ही उस समय उत्तर भारत में मराठा सेना का नेतृत्व करने में सक्षम थे, परंतु सदाशिवराव भाऊ को उत्तर में युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं था। इस युद्ध में मराठों की हार का एक और बड़ा कारण यह था कि जब विश्वासराव की इस युद्ध में मृत्यु हो गई तो सदाशिवराव भावनाओं में बह गए और उनके पास युद्ध का नेतृत्व था, वो युद्ध की कमान संभाल रहे थे, उन्हें अपनी कमान से उतरकर नहीं जाना चाहिए था। इससे सैनिकों में गलत फहमी फैल गई कि सदाशिवराव भाऊ जो कि हमारे सेनापति है वही अब नहीं रहे और सैनिकों में भगदड़ मच गई। इस युद्ध में मराठों की हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि अपने ही लोगों ने पीठ में खंजर खोपा था, हमारे ही बहुत सारे लोग विश्वासघाती हो गए थे और उन्होंने पैसों की लालच, पद के लालच और आपसी मुठभेद के चलते दुश्मनों का साथ दिया और इस युद्ध में मराठों की हार हो गई।